तो यहाँ पर बजट आने वाला है और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस की, और हो सकता है 5 लाख के इनकम तक आपको कोई भी टैक्स देना ना पड़े। और ऐसा अगर होता है तो क्या यहाँ पर चेंजेस होंगे, इसके साथ हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहाँ पर क्या डिमांड करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है इस बार के बजट से, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो खबर आ रही है, जो लीक्स निकल के आ रहा है, हमारी जो स्लैब्स है हो सकता है वो यहाँ पर चेंज की जाए। और यहाँ जी बिजनेस के तरफ से यहां पर ये खबर आ रही है, नीचे लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, कि यहां पर बेसिक इनकम जो स्लैब है, जो हमारा टैक्स स्लैब है, वो यहां पर अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करने जाने वाला है। तो यहाँ पर जो चेंजेस है, अभी हम एग्जिस्टिंग स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख तक आप किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हो, 2.5 लाख से 5 लाख आप 5% का टैक्स देते हो, और 5 लाख से 10 लाख आप 20% का टैक्स देते हो, और 10 लाख के ऊपर आप 30% का टैक्स देते हो। न्यूज़ ये आ रही है कि अब आपको 5 लाख रुपए तक का किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख में 20% का आपको टैक्स लगेगा, और 10 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ इससे जो चेंजेस है वो यहाँ पर क्या होगी, अगर हम बात करें, हम अभी एग्जिस्टिंग अगर हम मान के चले कि सारे डिडक्शंस के बाद आप जो सैलरी पे टैक्स देते हो वो 12 लाख देते हो, ATC स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको हटा के आप 12 लाख पे अगर टैक्स देते हो, तो आज की डेट में एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप 1,79,000 का टैक्स देते हो। ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो है। अब अगर 5 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा इस बार के बजट में अगर होता है, तो आप 1,79,000 के जगह 1,66,000 का ही टैक्स यहाँ पर दोगे, यानी कि आप 13,000 रुपये शुद्ध बचा लोगे अगर आपकी सैलरी, अगर आप यहाँ पर 12 लाख रुपये पे टैक्स देते हो। तो क्या संभावनाएं है इसके होने की, तो मुझे अंदर से लीक्स यहाँ पर ये आ रही है कि इस बार के टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जी के तरफ से आ रही है खबर, वो यहाँ से पता चल रहा है कि हो सकता है कि 5 लाख तक आपको एग्जेम्पशन देखने को मिल जाए। अब होता क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारी डिमांड ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके, कि भैया 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप बढ़ाकर लगभग 70,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करो, ताकि ग्राउंड लेवल पे मिडिल क्लास मैन को, मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पर उससे फ़ायदा हो। क्योंकि अभी जो है 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अगर आप कैलकुलेशन बेसिक देखोगे, जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आया था तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आया तो 40,000 का टैक्स बच जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा भी भाई कैसे, तो वो यहाँ पर बताने लगे कि टीवी में देखा, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी जो आप पहले और अभी का टैक्स दे रहे हो वो सिर्फ 180 रुपए का ही फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा 70,000 तक, ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले। ATC की लिमिट यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख तक यहाँ पर होने की संभावना है। इसके साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी क्या एक्सपेक्ट करती है इस बार की बजट से, कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। सबसे पहला चेंज यहाँ पर होना चाहिए कि LTCG को पूरी तरह से, जो इक्विटी में लग रहा है, पूरी तरह से हटा देना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर जब आया था पिछले साल आज ही का दिन था यहाँ पर 30 जनवरी, जहाँ पर मैंने बताया था कि LTCG यहाँ पर आने वाला है, और 1 साल हो गया उसको, और आज यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पर रिमूव होना चाहिए। उस समय भी मैंने बताया था ये अननेसेसरी का टैक्स लगा दिया गया है। दूसरी बात, जो इक्विटी में DDT आया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको भी यहाँ से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। तीसरा और सबसे नेसेसरी चीज़ इस बार के बजट में देखने वाली बात होगी कि क्या इंट्रोडक्शन होता है DLSS का, यानी कि डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम। जिस प्रकार से ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि ATC के अंदर में आता है, यानी कि आपका पैसा इक्विटी में लगता है, शेयर बाजार में यहाँ पर लगता है, जहाँ पर माना जाता है रिस्क है। तो कंजर्वेटिव लोग की ये मांग रही है कि डेट लिंक सेविंग स्कीम उसी के तर्ज पे आए, जहाँ पे आपका पैसा डेट में लगे, और वहाँ पर लॉक इन आप 5 साल का रख दो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा ATC के अंदर, अगर ये इंट्रोड्यूस होता है। AMFI ने पिछले साल भी अपना प्रपोजल यहाँ पर भेजा था फिनेंस मिनिस्ट्री को, कि भाई DLSS को आप लेके आओ, लेकिन पिछले साल ये आया नहीं था। DLSS पे हमारा ही वीडियो था पूरे YouTube में सबसे पहले जो आया था। इस बार भी डिमांड है भाई DLSS को आपने पिछले साल नहीं लाया, इस बार लेकर आ जाओ। तो हो सकता है कि DLSS आए, और अगर ये आएगा तो अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपको और ऑप्शन मिलेगा ATC के
अंदर। और जब एटीसी यहाँ पर बोला ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि 1.5 लाख से 2 लाख हो जाए, तो आपको और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा डीएलएसएस का भी वहाँ पर, अगर ये दोनों साथ में इंट्रोड्यूस होता है तो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ यहाँ पर 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। चौथा चीज़ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं इस बार के बजट से, टैक्स फ्री स्विचिंग हो अगर आप सेम म्यूचुअल फंड हाउस से हो तो। तो ये क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में अभी क्या होता है यूलिप में, कि अगर आप यहाँ पर सेम कंपनी से ए से बी में स्विच करते हो तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप सेम म्यूचुअल फंड हाउस में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पूरी तरह से स्विच करते हो तो टैक्सेस रहते हैं। वो टैक्स को यहाँ पर हमारी डिमांड है कि पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए, ताकि लोग यहाँ पर टैक्स फ्री स्विचिंग यहाँ पर कर सके। तो इस बार के बजट से हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाए, और इस बार के बजट में ये हमको देखने को मिले। अगर इस बार के बजट में ये सारे जो जितने भी चेंजेस हैं उनमें से अगर सिर्फ जितनी भी हमारी डिमांड है उनमें से सिर्फ अगर दो चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि इस बार का बजट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छा बजट आया है। तो हमारी उम्मीद है पूरी कि इस बार के बजट में आपको ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिले। आपका क्या कहना है इस बार के बजट में और ये जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं इनके बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और आप क्या सोचते हो कि LTCG को यहां से रिमूव होना चाहिए या नहीं इक्विटी से, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। और आपकी क्या डिमांड है वो भी आप यहां पर कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम यहां पर अपना हक मांगते हैं, यहां पर हम बैगनिंग करते, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना। तो इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, इसके साथ कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बार के भी बजट में पिछले बार के ही बजट के जैसे सबसे पहले जो भी चेंजेस होंगे इनकम टैक्स स्लैब्स में, इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, जो भी बजट में म्यूचुअल फंड में चेंजेस किया जाएगा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल मार्केट मैस्ट्रो में देखने को मिल जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नीचे लाल बटन को दबा के आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ में, और मोस्ट प्रोबेबली बजट के बाद वीडियो के साथ में।